हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक हब डॉट कॉम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स का देखे थे क्या कि अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो जर्नी चल रही थी उसमें हम लोग इंटीग्रेशन डील कर रहे थे, और इंटीग्रेशन डील करते वक्त हम लोग देखे थे उसमें कि इंटीग्रेशन की हिस्ट्री क्या है, कैसे आया हुआ है, क्यों पढ़ते हैं, मतलब उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके बाद इंटीग्रेशन के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से। वो लेक्चर आपका प्रीवियस लेक्चर 2 घंटे की है, हमने वाचिंग टाइम आवर देख रहे थे तो उसमें देखें कि जो एवरेज वाचिंग टाइम है वो बहुत खास नहीं दिखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूरे लेक्चर नहीं देखे हैं। तो हम आपको ये बोलेंगे कि अगर आपको सच में इंटीग्रेशन सीखना है और मज़े से, तो आप उस लेक्चर को पूरी अच्छी तरीके से देख लें। कुछ बच्चे का कहना आ रहा था कि सर बहुत सारे लेक्चर हो गया है यूट्यूब पर, तो वहाँ पर पता नहीं चलते रहता कि कौन क्या चीज़ क्या है, तो हमने प्ले लिस्ट अलग से बना दिया है। प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का प्ले लिस्ट खोलिएगा, तो उसमें पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स का आपको वीडियो मिलेंगे। जिस भी पेपर का प्ले लिस्ट होगा तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से क्लिक करके वो सारे वीडियोज एकदम पार्टिकुलर आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे जिसमें आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिए। और वो जो लेक्चर 2 घंटे के बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उस लेक्चर को जरूर जाके पूरे अच्छी तरीके से पूरे लेक्चर को देखिए, फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। और अभी तक एवरेज वॉचिंग टाइम बहुत कम, 4 से 5 मिनट मिला है, जो कि बहुत ही मतलब हम लग रहा है कि आप लोग उस लेक्चर को पूरे अटेंड नहीं किया चाहे जिस कारण से भी, लेकिन उसको कर लीजिए, अच्छा रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। पूरे लेक्चर को एकदम पूरा सिक्वेंस में पूरे लेक्चर देखिए, आपको पूरी अच्छी तरह से फील होगा। बहुत बच्चे तो अभी देखे भी नहीं, जो लोग नहीं देखे वो देख लीजिए, उससे पहले भी कुछ लेक्चर पड़े हुए, जो लोग न्यू हैं वो लोग उसको भी जाकर देख लीजिए, और फिर सीक्वेंस में हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। दोस्त, अब आ जाते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में। हम लोग देखे थे इंटीग्रेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, जिससे पिछले लेक्चर में हम लोग जो शुरू करने वाले हैं यहाँ से, आज इनडिफिनिट वाले पार्ट को शुरू करने वाले हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। नाम से ही स्पष्ट है क्या इनडिफिनिट, और दूसरा डिफिनिट, इसके बारे में हम पहले भी बहुत चर्चा कर रखे हैं। देखिए, अब शुरू करने जा रहे हैं तो चलते हैं यहीं से, स्टार्टिंग से, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब इसमें जो इंटीग्रेशन आएगा उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कंडीशंस पे। फिर से सुनिए, यहाँ इनडिफिनिट इसलिए बोले कि नाम से स्पष्ट है डिफिनिट नहीं मिलेगी, मीन्स इनडिफिनिट। इनडिफिनिट मतलब हो गया कि डिफिनिट ना होगा, और डिफिनिट ना होगा तो उसकी वैल्यू कंडीशंस पे डिपेंड करेगी। समझ में आ रहा है? डिफिनिट में जो दूसरी तरफ है डिफिनिट, उसमें क्या होगा, वैल्यू फिक्स रहेगी। दोस्त, आज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के तो हम लोग अब पूरी तरह से इंटीग्रेशन का सिंबल, कौन कौन टर्म को क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड है ना, डमी वेरिएबल, सब चीज़ पिछले लेक्चर में डिस्कस करते बहुत प्यार से, नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। दोस्त, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, सो ध्यान से देखिएगा आप। हम लोग यहाँ से अगर किसी का इंटीग्रेशन कर दे किसी फंक्शन का जो इंटीग्रेबल हो, तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसे लिखे जाते हैं। मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन करके, यानी इसका इंटीग्रल ये आया प्लस सी, ऐसे हम लोग इंडिफिनिट में, ये पहले भी आपको बता रखे, इस सिंबल का खोज कौन किया हुआ था, लेबनीज बाबा, डिफिनिट वाला सिंबल का जोसेफ फूरियर, सब बता रखे हैं, पहले सारा बता रखे हैं। दोस्त, सबकी कौन कौन क्या, कौन टर्म्स का खोज कौन किया, कैसे किया, सब बहुत सारी डिटेल्स आपको उसमें बताई गई है उस पिछले लेक्चर में, मतलब पूरी इंटीग्रेशन की पूरी नाना पर नाना, मतलब ए टू जेड पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएंगी उसकी। दोस्त, अब देखिए, हम लोग को इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करना है, तो अब हम किसी फंक्शन को करें, हम बोले कि ए इंटीग्रेबल फंक्शन है। क्या होता है इंटीग्रेबल और नॉन इंटीग्रेबल, जैसे आप पहले डिफरेंशिएशन पढ़े हैं ना, तो वहाँ पे भी डिफरेंशिएशन उसी का क्या होता था जो डिफरेंशियल फंक्शन होता है, लेकिन आपको दर्द एक बार भी इसलिए महसूस नहीं हुआ क्योंकि जो डिप्लोमा का जो सिलेबस दिया गया था उसमें केवल डिफरेंशियल फंक्शन की चर्चा थी, है ना, नॉन डिफरेंशियल फंक्शन तो दिया ही नहीं गया था, तो वहाँ पे आपको दर्द नहीं हुआ। वैसे भी यहाँ भी आपको इस चीज़ के लेकर दर्द नहीं हुआ, बट जानकारी रहनी चाहिए। कुछ फंक्शन ऐसे है भी होते हैं जिसका इंटीग्रेशन नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन,
नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन, जिसका इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता है। तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर कुछ फंक्शन बताइए जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। देखो दोस्त, हम आपको प्रॉपर से जब फार्मूला हम लोग देख लेंगे तो आपको एक लिस्ट ही बता देंगे जिसके इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता, वैसे फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन नहीं। बट तत्काल आगे हम आपको बताएंगे, जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स हुआ, जैसे कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स हुआ, साइन एक्स बाई एक्स हुआ, लाइक दैट। इस तरह से कई फंक्शन आपको हम एक लिस्ट ही लिखा देंगे जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें अगर पता ना रहेगा कि किसका इंटीग्रेशन हो सकता है किसका नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन है, बट जो उसमें से मेन मेन है वो आपको हम लिखा भी देंगे अलग से, ताकि आपको पता चल सके कि इसका इंटीग्रेशन। उसमें होता है कि बच्चा मास्टर के पास लेके क्वेश्चन पहुंच जाएगा, सर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, अब टेस्ट ट्यूब लगा के जांच करेगा इसका, अगर उसको पता चला कि इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता तो वो क्या करेगा, टीचर का सर इसका घर के दिखाइए ना जरा। दोस्त कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसकी इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता है, लाइक रूट साइन एक्स डी एक्स। मतलब इस तरह का फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम समस्या आती है, और ये बहुत अपने जब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो अपने जो रीजन होता है उसमें डिसकंटिन्यूअस होता है। आपको बताया गया कि हम लोग कंटिन्यूअस कोई चीज़ होता है उसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए क्या होता है आसान होता है, अपने इंटरवल में जब कंटिन्यूअस वो होगा, जैसे एरिया आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था एरिया सब जो कंटिन्यूअस रहता है तो उस रीजन को हम क्या इंटीग्रेट करना आसान होता है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, जोड़ना है ना दोस्त। तो ये सब चीज़ें आपको बता रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसे फंक्शन नहीं जिसको नॉन इंटीग्रेबल, बट आपको चिंता करने की ज़्यादा जरूरत नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी दोस्त, कि आपको जो भी फंक्शन आपके बुक में दिए रहेगा वो सारा का सारा इंटीग्रेबल फंक्शन ही दिया रहेगा, इसकी चर्चा आपसे नहीं करेगा वो, ठीक। बट नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे लेटर ऑन, बट पहले अभी टॉपिक पे आ जाते हैं। इसलिए हम एक शब्द यहाँ यूज किए कि ये इंटीग्रेबल फंक्शन है। जैसा कि आपको पता है कि इसको हम लोग इंटीग्रांड बोलते हैं, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको डमी वेरिएबल बोलते हैं। आपको ये भी बोले थे कि आपको इंटीग्रेशन करने से पहले एक बात और सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जिसका ये फंक्शन उसी के डमी वेरिएबल रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो उधर वाला ये कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होने लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये डमी वेरिएबल और इसका फंक्शन रहना चाहिए। अच्छा, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक बात और बता दें कि इसके नीचे और ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा। अब ये इंटीग्रेट होने के बाद जो आएगा इसको बोलते हैं हम इंटीग्रल, और ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलते थे, इंटीग्रेशन। ये सब चर्चा हम कर रखे हैं। ये जो सी होता है इसको बोलते थे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको क्या बोलते थे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू कंडीशन पे डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, कंडीशन जो हमें सवाल में जो कंडीशन दिया रहा है उस पे डिपेंड करेगी। बट जहाँ भी हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे अब से ध्यान रखिए सी चिपका देंगे। ये सी क्यों लिखते हैं इसके भी रीजन हम आपको लेटर ऑन बताएंगे कि सी क्यों लिखते हैं। बट अभी थोड़ा सा आप ये मान के चलिए कि लेके चलिए यहाँ पे कि अब हम लोग जब भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे हम वहाँ पे सी का यूज करेंगे ही करेंगे इंडिफिनिट में, ठीक है दोस्त। कहीं भी इंडिफिनिट इंडिकेशन है तो प्लस सी, मान लीजिए सपोज डेट कहीं हम करते वक्त कहीं मिस भी कर दे तब ध्यान रखिएगा कि वहां पे प्लस सी होगा, दैट्स द कॉमन थिंग, इंडिफिनिट के साथ सी लगेगा ही, इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। और ये सी क्यों लगता है उसको भी हम आपको बताएंगे दोस्त। तो इससे पहले अब हम लोग को क्या करना चाहिए, अब ये तो समझ में आ गया कि ऐसे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, सारा बात हमें पता हो गया यहां से, और इसकी जो भी अदर इंफॉर्मेशन है वो आपको पिछले लेक्चर में दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं कि हम लोग क्या करना है, अब कुछ इसके स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है, जो फार्मूला हमें आने चाहिए दोस्त। सबसे पहला बात ये ध्यान में रख लो गांठ फाड़ के कि अगर आपको इंटीग्रेशन सीखनी है तो आपको फार्मूला आपके ब्लड में होने चाहिए, चाहे जैसे भी हो, जितने ही फार्मूला। जो लोग भी अगर ये सोचेंगे कि फार्मूला हम याद नहीं करते हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे, तो वो उनकी गलत फहमी है, याद होंगे भी फिर फॉर्मेट भी हो जाएंगे। आपको याद कर लेना है, फिर प्रैक्टिस कर कर के और याद कर लेना है, याद तो कर ही लेना है, प्रैक्टिस कर कर के और याद कर लेना है दोस्त। तो आपके फार्मूला जो है ना पूरे इंटीग्रेशन का, सबसे पहले यही बात मांगता है
क्योंकि आप बार बार सवाल बनाने के लिए पन्ना उलट के देखने नहीं जाओगे। ये सब चीज़ सोचने वाली बात होती है, क्योंकि आप शुरू हो जाते हो जैसे तैसे और आपको आइडिया नहीं रहता सही से, स्ट्रेटजी सही नहीं रहता, जिसके कारण आप मात खाते रहते हो। तो वैसा नहीं करना है, तरीका से करना है हम लोगों को। आपको फार्मूला ब्लड में होनी चाहिए, जैसे भी हो फार्मूला एकदम ब्लड में होना चाहिए। तो कैसे हम लोग करेंगे कैसे, सो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग अब फार्मूला सीखने चलेंगे। हम क्या करेंगे, आपको फार्मूला बताएंगे, उसके रिगार्डिंग छोटा सा प्रॉब्लम करवाएंगे, फार्मूला बताएंगे प्रॉब्लम। इससे क्या होगा कि आपको उस फार्मूला पे पकड़ बनते चला जाएगा। जब ये पूरा करते करते जितने भी फार्मूला हैं 25-30 जो भी फार्मूला होंगे, सारा फार्मूला जब हम लोग अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है, फार्मूला हम लोग पूरा फार्मूला अच्छे से सीख लेंगे, तब जाके हम लोग ये वो लिस्ट बनाएंगे फार्मूला का। हम अभी स्टार्टिंग में आपको पूरा फार्मूला का लिस्ट नहीं दिखाने रहे, एक एक करके सीखते हैं और फिर फाइनली फार्मूला का एक लिस्ट बनाएंगे, वो लिख लीजिएगा आप लोग, और तब हम लोग तैयार हो जाएंगे इंटीग्रेशन के सवाल को करने के लिए, तब फिर सवाल करना शुरू करेंगे। ये जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं ये भी सवाल करेंगे, लेकिन ये आपको फार्मूला मेमोराइज करवाने के लिए कल करवाया जा रहे हैं। और हम आपको बोल रहे हैं, चाहे आप कितना भी वीक हो चिंता मत करो, हम सिखाएंगे तुम्हें भाई, हम तुम्हें सिखा के छोड़ेंगे, है ना, क्योंकि हम एकदम प्यार से एकदम स्मूथली ऐसा मान के चल रहे कि आप कुछ भी नहीं जानते ऐसे पढ़ा रहे हैं, आप लर्न करते चलो, ठीक है दोस्त। और आपको आप ना सीखो ये हम होने नहीं देंगे, चाहे जैसे भी हो, ठीक है दोस्त। चलो शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ से करेंगे कि हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड फार्मूला की, है ना। चलो हेडिंग ऊपर लगा लेते हैं, हेडिंग लगाओ, ये इंटीग्रेशन का लिख लो इनडिफिनिट में, ये हेडिंग लगाते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड फार्मूला रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्त। पहला, सबसे पहले याद है दोस्त डिफरेंशिएशन क्या होता था, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो आपको याद होगा एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, एक्स के रिस्पेक्ट में पावर पीछे, पावर में से एक घटा लेते थे, यही करते थे हम लोग, ठीक है, पावर पीछे पावर में से एक घटा लेते थे दोस्त। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ डिफरेंशिएशन के उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो उसमें पावर घटता था, देखिए पावर उसमें घटता था, यहाँ पावर जुटेगा। देखिए तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं एक्स टू दी पावर एन का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा दोस्त, यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है एक्स के पावर एन प्लस वन, पावर में जोड़ दिए, जितना जोड़ के आया उससे क्या करते हैं, इसमें उसमें मल्टीप्लाई होता था, इसमें डिवाइड होगा, तो देखिए एन प्लस वन से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, पावर में एक जोड़ देंगे और जितना पावर बनेगा उससे ही क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसमें एक बात आपको खाली ध्यान में क्या रखना है दोस्त, कि जो पावर होगा ना इसका वो एन बराबर वन नहीं होना चाहिए, एन डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अच्छा नहीं, आप तो बोल दिए कि एन माइनस नहीं होगा, था अब कहोगे सर n माइनस वन नहीं होना चाहिए, या कहोगे सर होगा तब, हम लोग का ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है, होगा तब दोस्त, होगा तब क्या करेंगे सो बताते हैं, लेकिन अभी देखिए होगा तब क्या दर्द होगा सो देख लीजिए। मैथ आपको नीचे में जीरो अलाउड नहीं करता है, मैथमेटिक्स आपको नीचे में जीरो अलाउड नहीं करता है। तो दोस्त देखिए इसमें माइनस वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा कुछ, देखिए ध्यान से x के पावर माइनस वन क्या होगा सो देखिए, ऐसा रहेगा। तो फार्मूला से हम इंटीग्रेट करने को जाएंगे दोस्त, एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ देख रहे हो क्या, आप प्लस सी, ठीक है दोस्त, प्लस सी दोस्त, यहाँ ध्यान से देखो ये कंडीशन याद रखिएगा, n बराबर माइनस वन नहीं होना चाहिए, ये फार्मूला ये होता है, ठीक। यहाँ से अगर हम कहेंगे n माइनस वन होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो आप क्या कहिएगा कि इसका, इसकी फॉर्मूला के अनुसार जाएगा माइनस वन प्लस वन बट्टा माइनस वन प्लस वन और प्लस सी, तो आप कैलकुलेट कीजिए तो हो जाएगा x के पावर जीरो बट्टा वन माइनस प्लस वन जीरो। देखिए ये मैथमेटिक्स, ये
मैथमेटिक्स के रूल को वैलिड नहीं कर रहा है, अनडिफाइंड बनने जा रहा है ना। इन्फिनिटी नीचे डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी में चला जाएगा, तो मैथमेटिक्स ये अलाउ नहीं करता है। मैथमेटिक्स कहता है कि भाई जीरो में नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, तो अगर जीरो बन रहा है तो इसका मतलब ये फार्मूला इस केस में फेल हो जाएगा, इस केस में ये फार्मूला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हमें वो नहीं करने, हमें वो नहीं करने। तो क्या करने क्या है, जब ऐसा रहेगा तब करेंगे क्या, ठीक है, करेंगे क्या दूसरा, ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे। तो इसी चीज़ के लेके हम आपको बता दें कि देखिए अगर ऐसा रहेगा तो ये एक्स के पावर माइनस वन जो होगा दोस्त, एक्स के पावर माइनस वन डी एक्स अगर रहेगा तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, इसी चीज़ को वन बट्टा एक्स डी एक्स, माइनस वन है तो, और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं लॉग मॉड एक्स प्लस सी। दोस्त मॉड, देखिए ध्यान से, आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स होता था वन बाय एक्स, ठीक है, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, और सी तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो सी तो हम लोग इंक्लूड करेंगे, क्या हो जाएगा वन बाय एक्स का क्या हो जाता था, लॉग एक्स का वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। तो अगर माइनस वन होगा तो इसका इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मोड के लिए कि आप चिंता मत करना, क्योंकि मोड ये कह रहा है कि इसमें ये जो x की जो वैल्यू रहेंगी यहाँ पे वो निगेटिव भी आएगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए किया गया है ये। तो मोड आपको पता है मोड एक ऑपरेटर जो कि किसी वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, निगेटिव को भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव करता है, तो ये इसलिए मोड लगाया गया है। नॉर्मली कहीं कहीं पर आपको सिंपली ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्त। और नॉर्मली ऐसे भी कभी कभी लिखा मिल सकता है दोस्त, कभी कभी पे आपको ln x भी मिल सकता है, ln x, ठीक है, ln x जब बेस e रहेगा तो उसको ln x नेचुरल लॉग कहा जाता है, तो इसको ln पढ़ते हैं, ln ln। तो आपको ध्यान रखने की, आपको घबराना नहीं इन चीज़ों को देखकर, इसलिए हम आपको सारी चीज़ बता रहे हैं। तो ये एक दो फार्मूला अभी तक हम लोग नोट कर लिए हैं, अब आइए इन दोनों फार्मूला पे थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम कर लेते हैं, क्वेश्चन खेल लेते हैं, ताकि ये फार्मूला हमारे हार्ट में आ जाए और माइंड में भी। हार्ट में आएगा सर तो पढ़ाई हो भी नहीं करेगा भाई, माइंड में। और देखो ध्यान से देखो यहाँ तक दोस्त, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन इस पे बेस्ड। जैसे अगर आपको देगा कहेगा फाइंड इंटीजरल ऑफ एक्स के पावर सेवन dx, अब हम में से कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा, कहेगा लीजिए फार्मूला होता है एक जोड़ देंगे उससे भाग दे देंगे, एक्स के पावर एट अपॉन एट प्लस सी। सी क्यों, इनडिफिनिट है, ठीक। अच्छा सी का रीज़न हम बताएंगे, उसकी चिंता आप ना करें, क्योंकि हम कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ने वाले हैं आपके लिए, हम ही खुद सारा चीज़ डिस्कस कर देंगे, बाकी आप सिर्फ अच्छे से सीख लो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है दोस्त। दूसरा आपको क्या दर्द होगा मैं पता चलता है, जैसे मान लीजिए अब आ जाएगा रूट एक्स डी एक्स, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले हम कहेंगे अच्छा ऐसा है तो हम कहेंगे देखिए पहले रूट को क्या कर लीजिए, आप पावर में लिख लीजिए, क्या होता है वन बाई टू डी एक्स। तो यहाँ से क्या कहेंगे कि फार्मूला लगा लेंगे एक्स के पावर वन बाई टू प्लस वन बट्टा वन बाई टू प्लस वन, ये हो जाएगा दोस्त, अब प्लस सी। दोस्त यहाँ से अगर हम इसका कैलकुलेशन कर दें, यहाँ से हम इसका कैलकुलेशन कर दें तो दोस्त ये कुछ ऐसा बनेगा एक्स के पावर थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू प्लस सी। दोस्त ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, ये उल्टेगा वैल्यू तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री। तो यहाँ से अगर आप इसका आंसर लिखना चाहोगे तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, हम इरेज करना चाहेंगे इस फॉर्मूला को, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ये फॉर्मूला, अभी सीखते चलते हैं, अभी सवाल भी करते चलते हैं सीखते चलते हैं, होगा तो पाँच पाँच या सात सात का हम लेक्चर का स्लॉट बनाएंगे और ऐसे करके सीख लेंगे, फिर एक जगह फाइनल पूरा फार्मूला लिखेंगे, ताकि हम लोग पूरी फार्मूला को अपने अंदर समाहित कर लें, ठीक है। आ जाइए, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा
टू बाई थ्री एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है दोस्त, अगर आप इसमें आपको और भी मज़ा लेना है तो आप क्या कर लो 2/3, और इसको क्या लिख सकते हैं देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर या 1/2 यानी एक्स क्यूब लिख सकते हैं प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि आप देखो कि इसको अगर आप एक्स के पावर 3 रूट को लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 3/2 आ जाएगा, तो 1/2 को हम लोग रूट ले लिए, एक्स क्यूब रह गया। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर ज़्यादा कुछ करके, बट यहाँ तक भी आंसर सही है। ऐसे ही आपके बुक में ऐसे भी मिले, कभी कभी ऐसे भी मिल सकता है, तो इसलिए आप ज़्यादा ये ना हो, पैनिक ना हो, बस कैलकुलेशन है। ठीक, अब यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दोस्त कि कैमरा थोड़ा सा देख लेने दो, ठीक है। अरे दोस्त देखते हैं हम लोग यहाँ, ये फॉर्मूला देखने के बाद और भी कुछ क्वेश्चन दोस्त, ऐसा कुछ क्वेश्चन, इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -9 dx, हम में से फटाफट शुरू हो जाओ जल्दी, क्या हो जाएगा 9 + 1 = 8 -8 / -8 + c, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हाँ दर्द होने लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिए ax + b, ठीक है, ax + b टू द पावर मान लीजिए 3 है dx। दोस्त अब हमें एक टर्म मिल रहा था उस समय तो तक ठीक था, दोस्त आपको इतना पता होना चाहिए कि ये लीनियर का फॉर्मेट है। दोस्त थोड़ा सा देख लो, इसको बोलते हैं लीनियर, ये है क्या लीनियर, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं क्यूबिक। दोस्त ये क्वाड्रेटिक, आप लोगों को पता होगा ये चीज़ें, इसको बोलते हैं क्यूबिक। ठीक, अब इन सारी चीज़ों के बाद आप ध्यान से देखेंगे अंदर में क्या है लीनियर, अब ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। लीनियर देखो, ये है लीनियर, फार्मूला बस सेम लगाएंगे, पावर में कुछ नहीं दिक्कत, क्या हो जाएगा ax + b के पावर में एक जोड़ देंगे 3 + 1 4 हो जाएगा, अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग कहेंगे क्या हो गया, हम लोग का हो गया आंसर हो गया। दोस्त यहाँ आप गलत हो जाओगे क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल टर्म था, यहाँ पे जो टर्म है ये आपको लीनियर फॉर्मेट में है, आपको करना क्या पड़ेगा अलग से इसका डिफ्रेंसिएशन करके इसमें भाग देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गुणा नहीं करना है भाग करना है, ध्यान सुनो, इसका डिफ्रेंसिएशन करके क्या करना है भाग, गुना नहीं करना है, डिफ्रेंसिएशन करके क्या करेंगे भाग करेंगे। तो दोस्त आप अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन करो, ax + b, ठीक ax + b एक फॉर्मूला ही हो जाएगा आपका, इसको तीसरा नंबर फॉर्मूला के तौर पे भी आप लिख सकते हो, बट ये इसी का जनरलाइज फॉर्म है, मतलब इसी का एक पार्टिकुलर फॉर्म है, ठीक जनरलाइज नहीं पार्टिकुलर फॉर्म। दोस्त अब देखो ध्यान सुनो, किसी किसी बुक में आपको यही फॉर्मूला मिलेगा लिखा हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ ax + b के पावर n, ठीक है dx, और इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा ax + b के पावर n+1 बट्टा n+1 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन उससे मल्टीप्लाई किया हुआ मिल जाएगा, ये आंसर आपको मिलेगा, और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह से पूछ सकता है। दोस्तों ये आपका एक फॉर्मूला ही है, तीसरा नंबर फॉर्मूला के तौर पर आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक पहला दूसरा तीसरा। अब देखो दोस्त इसको करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ए बाहर dx कट के 1 + dv/dx, यही तो होगा। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जाकर देखिए, हम पहले आपको इस सुविधा के लिए हम पहले बता रखे हैं, तो ये हो जाएगा a × 1 + b → 0 यानी हो जाएगा ये a, ठीक है, तो a हो जाएगा, a से भाग करना है, तो भाग करने का मतलब इसका टर्म के नीचे यहाँ पे a से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है इस टर्म को क्या करेंगे a से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपको a से मल्टीप्लाई नीचे में हो गया। अब देखिए यहाँ से, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ax + b टू द पावर 4 बाई
फोर ए प्लस सी। अब ये आंसर सही हुआ, यहाँ तक गलत था, जब तक ये ए से मल्टीप्लाई नहीं था नीचे में ये गलत था, ठीक है। तो आपको इस टर्म को डिवाइड कर देना था किससे, ए से, है ना। सर अब तो मल्टीप्लाई कर, भाई नीचे में किए हैं, थोड़ा सा ध्यान देखो ये बात का, कि किसी के मन में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने तो डिवाइड किया ही नहीं, है ना। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये वन होगा, वन ऊपर जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है, बात वहीं आएगी। चलो दोस्त इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए इस पे बेस्ट कुछ प्रॉब्लम इसी पे बेस्ट देख लेते हैं। सब पहले कैटेगरी का फॉर्मूला का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ दे दें, मान लीजिए ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ 2x प्लस 3 dx, ठीक। तो हम क्या करेंगे के पावर 7 या कुछ भी वाट एवर जो भी रहे, क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 2x प्लस 3 टू दी पावर 7 प्लस एक 8, अब बट्टा में एक पावर जोड़ दिए और 8 से डिवाइड प्लस सी, आंसर हो गया क्या, नहीं दोस्त, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, 3 का 0, यानी 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड नीचे में करेंगे तो ये आपको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको डिवाइड करना था, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या दोस्त 2x प्लस 3 टू दी पावर 8 बाई 16 प्लस सी। आप अपेक्षा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, पहला वाला फार्मूला आपके ब्लड में आ गया होगा। और दूसरी बात ये कि दोस्त हर बार आप ऐसे करने मत चले जाना कि इसका पावर है तो इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे और रख देंगे, ऐसे करने की ज़रूरत हर बार नहीं है। यहाँ आप तब करना ये काम जब ये लीनियर हो, अब क्वाड्रेटिक में करोगे फिर डिफरेंशिएशन का भाग फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अपना मन से एक, मतलब जैसा आपको सिखाया था अपना मन से कोई स्टेप मत ले लीजिए, इसलिए आपको बता भी दे रहे हैं कि यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक रहता 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 तो ऐसे नहीं करते, उसका फिर अपना अलग तरीके से उसको हम डील करते, ऐसा नहीं कि उसका भी ऐसे ही कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन का भाग दे, ये लीनियर तक आपको ध्यान रखना, कहाँ तक लीनियर रहेगा तो ऐसे कर सकते हैं, बस क्लियर है अभी। अब आ जाइए इससे आगे हम लोग इसी में और देखते हैं, आपको 2-3 फॉर्मूला आपको लिखा दिए है ना, हालांकि ये आपका पहला वाला फॉर्मूला का ही रूप है, बट 3 फॉर्मूला हम लोग नोट कर लिए। इसको देखने के बाद आ जाइए हम लोग देखते हैं जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ाए थे 1/x का, क्या बताए थे ln x प्लस सी या log x प्लस सी, आप क्या कर लो, नो आंसर, आप क्या कर लो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ऐसा रहे लीनियर में देखे ध्यान से 2x प्लस 3 dx। दोस्त क्वेश्चन है ये फॉर्मूला था, इसी का क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर फॉर्मूला था हम लोग का, इसी का क्वेश्चन है, क्या करेंगे दोस्त इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ln 2x प्लस 3, एक्स के बदले क्या 2x प्लस 3, ध्यान रखिएगा कि ये लीनियर रहे तब, या फिर नॉर्मल सिर्फ x रहे तो ये भी लीनियर ही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ये लीनियर रहेगा तब पर भी हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ln 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 प्लस सी, तो क्या आंसर ये सही हो गया, नहीं दोस्त, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा ना इसका, उससे आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 3 का, तो 2x प्लस 3 का तो अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, अब थोड़ा सा हम लोग अच्छे स्ट्रेंथ में भी होंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 2 आएगा, 2 से डिवाइड कर देना है दोस्त, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह आएगा ln 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस सी, तो ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ क्वाड्रेटिक रहेगा नॉर्मली, ऐसे ध्यान से देख लो, ऐसे 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लाइक दैट, कुछ भी ऐसा, तो ये गलती नहीं करने जाना है आपको कि ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब बट्टा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x स्क्वायर का 2x और इसका हो जाएगा 2 और 3 का 0, यानी 2x प्लस 2, यानी 2x प्लस 2 प्लस सी, ये गलत हो जाएंगे। आपको ध्यान में रखना कि लीनियर रहेगा तब तक ही आपको ऐसे काम करना है,
ये ध्यान रखें कि लीनियर में ऐसे कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक का फिर अपना हम आपको एक तरीका बताएंगे, इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको हम अलग से सिखाएंगे, अभी आपको उसकी चिंता न करना है। तो अभी हम लोग तीन फॉर्मूला क्लियर कर लिए हैं बेसिकली, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। नोट कर लीजिएगा सबको, अब तो आप इस सबको बना लीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, अगला फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा फॉर्मूला आपको देखना है, इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ध्यान सुनिए, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहेगा तो आप इंटीग्रेशन में उस कांस्टेंट को बाहर निकाल के इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लाइक दैट डी एक्स। कोई भी कांस्टेंट रहेगा, क्या क्या है कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो आप के को बाहर लगा के आप इसको वही फॉर्मूला जो पढ़े उस पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम आपसे आपको बताएं तो देखिए, जैसे आपके पास अगर आ जाए 5x dx या 5x स्क्वायर dx लाइक दैट कुछ भी, तो आप क्या करोगे 5 को बाहर कर दोगे और x dx क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्त, x का एक पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़ देंगे, तो एक जोड़ेंगे तो एक है पहले से, एक और जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस सी, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, 5x² / 2 प्लस सी। ऐसे नॉर्मली ऐसा कुछ भी मिल जाए 3/5 एक्स के पावर 9 डी एक्स लाइक दैट, कुछ भी नहीं करना दोस्त, 3/5 को क्या करना बाहर कर देना है और आपका ये हो जाएगा एक्स के पावर 9 डी एक्स, और ये हो जाएगा क्या 3/5 और ये हो जाएगा आपका, ऊपर लिखते हैं शायद आपको नीचे ना दिखे, तो यहाँ से हम कह रहे 3/5 और एक्स के पावर इसका बढ़ जाएगा तो जाएगा एक्स के पावर 10 और बट्टा में 10, यानी हो जाएगा कितना दोस्त, ये हो जाएगा आपका 3/50 एक्स के पावर 10 प्लस सी। दोस्त यहाँ तक ऐसे कर लेना है आराम से। देखो इंटीग्रेशन के साथ एक समस्या, अगर आप उसको प्रॉपरली सही ढंग से सीखोगे ना तो छोटी छोटी गलती आप कर दोगे, छोटी छोटी गलती, वो छोटी छोटी गलती गलती नहीं, वो मिस्टेक से ब्लंडर बन जाएगा। बड़ी गलती को हम लोग बोलते हैं ब्लंडर, मिस्टेक छोटी सी माइनर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मिस्टेक्स, तो ब्लंडर कर दोगे आप एक छोटी सी गलती दोस्त। ठीक है अब आ जाओ, तो ये चीज़ आप सीख लें, कॉन्स्टेंट जो भी रहेगा उसको बाहर करके हम जो फॉर्मूला जानते रहेंगे उस पर लगा सकते हैं आराम से, तो इसको आप करना सीख लियो। अब एक चीज़ और भी, नॉर्मली अब फॉर्मूला के रूप में लिखो या फिर आप नॉर्मल सवाल के रूप में लिखो जो भी है, लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर आपको दे देंगे डी एक्स तो डी एक्स का क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ भी सकता है, बच्चे तो बहुत मतलब जानते बहुत रहते हैं, बट कभी कभी आपको डी एक्स का भी नॉर्मल ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि डी एक्स का क्या होगा। दोस्तों डी एक्स का होता है एक्स प्लस सी, आप कहोगे वो कैसे, तो वो ऐसे कि देखिए एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि यह 1 × dx तो है, एक्स पावर 0 × dx लिख सकते हैं, इसमें तो हम लोग किसी का दर्द नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे तो 0 + 1 अब बट्टा 0 + 1 प्लस सी, अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा x/1/1 प्लस सी, यानी आपका हो जाएगा एक्स प्लस सी आंसर। तो आप अभी से इसको या मतलब अपने ब्लड में ही रख लो कि डी एक्स का एक्स प्लस सी, डी एक्स का एक्स प्लस सी, डी एक्स का एक्स प्लस सी, ठीक है ये कर लीजिए। तो ये आपका यहाँ तक हो गया, ये अभी तक हम लोग पांचवें फॉर्मूला पे पहुंच चुके, चौथा ये पांचवा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्त अब आ जाइए, देखते हैं नेक्स्ट पांचवा फॉर्मूला तक देखने के बाद हम लोग देखते हैं, जैसे कि नॉर्मली आपको दे दे कि 7x 7 dx, छोड़िए तो क्या हो जाएगा 7x प्लस सी, क्योंकि 7 का बाहर करेंगे, 7 को ऐसे कर लेंगे, 7 को बाहर करेंगे डी एक्स प्लस सी, तो क्या हो जाएगा 7 है, डी एक्स का क्या होगा एक्स प्लस सी, बहुत ही आसानी से, ठीक। तो अब आप आराम से कर लोगे, कुछ भी कॉन्स्टेंट रहेगा बाहर करेंगे, नॉर्मली ऐसे दे देंगे ए डी एक्स
तो क्या हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा, ए कांस्टेंट है चूंकि एक इसका फंक्शन नहीं, तो ये कांस्टेंट होगा। आप कहोगे सर ए वेरिएबल है, नहीं, आपको पहले बताया कि जब इसका फंक्शन नहीं रहता उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते, तो ये कांस्टेंट होगा। जब ऐसा अगर इसमें कुछ रहता एक एक्स के साथ कुछ भी, तो हम ऐसे कुछ लेते जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन ए एक्स का फंक्शन रहता एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो अलग मैटर रहता। बट यहाँ पे जो है ना आपका ए, यही जो खाली अगर ए है इसका कोई फंक्शन नहीं, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर हो जाएगा, डीएक्स डीएक्स हो जाएगा, यहाँ से डीएक्स का एक्स हो जाएगा प्लस सी, ए बाहर डीएक्स का एक्स प्लस सी, तो एक्स होगा तो एक्स से गुना करेंगे तो एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, आप अपेक्षा करते हैं कि आपको ये पांचों फॉर्मूला अभी तक जो बताया गया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इन पांचों फॉर्मूला को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट पांच फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर जस्ट आपको बहुत फ्रीक्वेंटली अब लेक्चर मिलेंगे, तो आपको पांच पांच का फॉर्मूला करके हम लोग जल्दी जल्दी सबको कंप्लीट कर लेते हैं। करीब चार पांच छोटे छोटे लेक्चर में हम लोग सारे कर लेंगे और ये अच्छे से हमारे ब्लड में आ जाएगा। फिर आप इंटीग्रेशन इतने शानदार तरीके से सीखोगे आपको लगेगा ही नहीं, कभी फील नहीं आएगा कि आप इंटीग्रेशन पहली बार सीख रहे हो, आपको लगेगा कि जैसे कि हमको इंटीग्रेशन ब्लड में ही मेरे आ गया, जैसे लग रहा है कि जाना पहचाना है। ठीक है दोस्त, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप बस देखते रहो और आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेना है कि हमें आएगा नहीं आएगा, हम आपको जो सिखाते रहे आप सीखते चलो, एकदम आप पूरे जो मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स आप उसका मास्टर बन जाओगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी, बस धन्यवाद, इतना है।